शिखा श्रीवास्तव मेरे चैनल शिखास किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं मेरी वो रेसिपी कौन सी है। दोस्तों आज मैं आपको ऊसल किस तरह से बनाया जाए, ग्रेवी वाला ऊसल किस तरह से बनाया जाए ये बता रही हूँ, और साथ ही साथ आज मैं आपको बता रही हूँ अंकुरित अनाज को हम किस तरह से बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट के रूप में लें, ताकि वो टेस्टी तो लगे लगे साथ ही साथ हेल्दी भी रहे। तो कुकर में मैंने एक चम्मच तेल डाल दिया है, क्योंकि थोड़ा सा इसे बघारना भी ज़रूरी है, तब इसे खाने में मज़ा आएगा। आप चाहें तो थोड़े से अंकुरित अनाज को कच्चा भी ले सकते हैं, तो परंतु बहुत से लोगों को कच्चा डाइजेस्ट नहीं होता है, तो आप इसे चाहें तो बघार कर भी खाएं। और ये जो आज मैं आपको ऊसल बता रही हूँ दोस्तों, आप इसे सिर्फ प्लेन ऊसल भी खा सकते हैं, बहुत से लोग पोहे में ऊसल डालकर खाते हैं। तो तेल जैसे ही गर्म हुआ, राई डाला है मैंने आधी चम्मच जीरा, एक हरी मिर्ची और एक बड़ा प्याज काट कर डाला है। साथ ही मैं इसमें डालूँगी एक प्याज पिसा हुआ, दोनों ही तरह के प्याज का मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। एक बार आप इस तरह से ग्रेवी वाला ऊसल बनाकर देखें, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो बस एक बड़ा प्याज जो मैंने लिया था वो पूरा मैंने इस मिक्सर के जार में जो था वो इसमें डाल दिया, और बहुत अच्छी तरह से इसे अब हम मिक्स करेंगे और थोड़ा सुनहरा होने तक पकाएंगे। एक चम्मच अदरक लहसुन जिसे मैंने हल्का सा क्रश करके रखा है वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ऊसल वैसे भी बहुत ही हेल्दी होता है, और अंकुरित अनाज जो होते हैं दोस्तों वो तो गुणों का भंडार है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। हमें अपनी डाइट में किसी भी रूप में अंकुरित अनाज को ज़रूर शामिल करना चाहिए। और मोठ जो आज मैं आपको बता रही हूँ, मोठ जैसे कि बहुत जगह पर इसे ऊसल भी कहा जाता है, ये तो गुणों का भंडार है। आप थोड़ी सी मात्रा में इसे कच्चा भी खा सकते हैं, या आपको डाइजेस्ट नहीं होता तो आप इस तरह से इसे एक बार पका कर खाइए। हल्दी डाला है आधी छोटी चम्मच, दो चम्मच धनिया डाला है, और साथ ही एक चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है, दो चम्मच मैंने बीट रूट डाला है जो लाल लाल आपको दिख रहा होगा, जिसे चुकंदर भी बोलते हैं। चुकंदर में बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है, तो हमें अपने खाने में चुकंदर का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। अब जितना भी मोठ आपको बघारना है, जितने लोगों के लायक, फैमिली मेम्बर्स के लायक उतना डालें, मैं दो के लायक इतना मोठ इसमें डाल रही हूँ। और खूब अच्छी तरह से हम इसे मसाले में पहले भून लेंगे, कम से कम 4 से 5 मिनट तक के इसे खूब अच्छी तरह से सेक लें, फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर कुकर की एक सीटी लगा लेंगे। वैसे भी जो स्प्राउट्स होते हैं, अंकुरित अनाज होते हैं, वो बहुत ही जल्दी पक जाते हैं, हमें उन्हें पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस आप देख रहे हैं मैंने इसमें आधा गिलास के करीब करीब पानी डाला है, थोड़ा पानी तो भी इसे पकने में लग जाएगा। ऊसल थोड़ा सा लटपटा ही अच्छा लगता है। मेरे घर पर तो इस ऊसल को कई बार ऊसल को पोहे में डालकर भी खाते हैं, या पराठे के साथ भी खाना पसंद करते हैं। बस कुकर का ढक्कन लगा दिया और एक सीटी बजा लेंगे, तो ये हमारे गर्मा गर्म ऊसल बनकर तैयार हैं। अब इसमें आप चाहें तो नींबू डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर डाल सकते हैं, ककड़ी बारीक काट कर डाल सकते हैं, परंतु मेरे यहाँ ज़्यादातर इसमें दही डालकर खाना इसे पसंद किया जाता है। आप बारीक वाली सेव भी इसमें स्प्रिंकल कर सकते हैं, बिल्कुल सर्व करते समय स्प्रिंकल करना है, तो सेव के साथ भी ये ऊसल बहुत ही अच्छा लगता है। तो दही डालें या नींबू डालें, किसी एक खटाई का यूज़ करना है। मैं नींबू नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें दही डाल दिया, बिल्कुल दही भी हम ताज़ा खाएं। तो ये हमारा ऊसल बनकर बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आपको करना है वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए।